एक बार आप दोनों को एंटी मार्कोनी का और मार्कोनी का नियम, दोनों नियमों को हम एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में ये दोनों ही नियम पूछे जाएंगे या दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसके बारे में देख रहे हैं, मार्कोनी काफ का नियम। और मार्कोनी काफ के नियम में क्या बताया गया, असंबद्ध द्विबंध पर किसका योग बताया गया, हैलोजन अम्लों का योग। हैलोजन अम्लों का क्या बताया गया, योग बताया गया। और हैलोजन अम्लों का योग किस प्रकार होता है, असंबद्ध द्विबंध पर यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया। इस पर हैलोजन अम्ल का योग कराएंगे यानी HBr का योग कराएंगे। तो असंबद्ध द्विबंध पर हैलोजन अम्ल का योग कराने पर हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग यानी Br द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कैसी होती है, कम होती है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फिर CH3 पहले से ही था सिंगल बॉन्ड CH, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड CH2 पहले से ही था एक H, इसका यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 ये बन जाएगा 2-bromo-propane। 2-bromo-propane ये कौन सा हो गया, मार्कोनी काफ का नियम। इसके अपोजिट में हम कौन सा नियम देखेंगे, एंटी मार्कोनी काफ का नियम। एंटी मार्कोनी काफ का नियम जैसी को हम क्या कहते हैं, परोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। कौन सा प्रभाव कहते हैं, परोक्साइड प्रभाव कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, खैरास प्रभाव भी कहते हैं, खैरास प्रभाव। तो एंटी मार्कोनी काफ के नियम में क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 असंबद्ध द्विबंध पर हैलोजन अम्ल का हम क्या कराएंगे, योग कराएंगे। हैलोजन अम्ल का मतलब क्या हो गया, HBr। तो हैलोजन अम्ल का जो ऋणात्मक भाग है ये असंबद्ध द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। यहाँ जुड़ा था जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, यहाँ जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ पर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ये Br इसके साथ जुड़ गया और ये H जुड़ गया आपका इस वाले कार्बन के साथ। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 1-bromo-propane। ये आपके दोनों नियम हो गए, एक मार्कोनी काफ का नियम और दूसरा क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनी काफ का नियम हो जाएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जो आपका पोर्शन दिया गया है,